उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर अब तक 164 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। इन मामलों में नामजद 880 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही बड़े पैमाने पर सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे और मोबाइल से ली गई तस्वीरों को सोशल मीडिया के जरिए जारी कर शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। IG कानून व्यवस्था प्रवीण कुमार ने बताया कि रविवार को प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि अब तक 5312 लोगों को हिरासत में लेकर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की निंदा की है। साथ ही योगी सरकार से निर्दोष लोगों को छोड़ने की मांग भी की है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी में हिंसक प्रदर्शन के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में जो लोग निर्दोष हैं, उन्हें जांच पड़ताल करके छोड़ देना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जैसा कि विदित है कि BSP हिंसक प्रदर्शन आदि के हमेशा खिलाफ रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से देश के अधिकांश भागों में और खासकर उत्तर प्रदेश में जो CAA और NRC के विरोध में हिंसक घटनाएं हुई है, अति दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है।